हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी माय वे में। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हो, जो अपन ने जनरल स्टडीज़ के डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को अपन कवर कर रहे हैं, इससे पहले बहुत सारे वीडियोस के अंदर अपन ने इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी के अंदर भी काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं, और पॉलिटिक्स के भी वीडियो डल रहे हैं, तो कंटिन्यूसली वीडियो डल रहे हैं। तो आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक कीजिए और जितना हो सके इसको शेयर कीजिए। तो दोस्तों, अभी अपन बात करें आज के वीडियो के अंदर, अपन जो इंडियन ज्योग्राफी है, जो अभी इंडियन ज्योग्राफी अपनी चल रही है उसको कवर कर रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी के दो वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं। जो फिजिकल इंडिया, जो फिजिकल ज्योग्राफिक पार्ट है इंडिया का, जो भारत के भौगोलिक प्रदेश है, उसका ही ये वीडियो का पार्ट थर्ड है। और आई होप अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने वो दो वीडियोस ऑलरेडी देख लिए होंगे और पसंद भी आए होंगे। तो ये उसी के कंटिन्यूशन में वीडियो है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए, देन इसको कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। तो अपन बात करते हैं दोस्तों, अपन भौगोलिक प्रदेश पढ़ रहे थे और उसके अंदर अपन क्या पढ़ रहे थे, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, ये पढ़ रहे थे, ठीक है। और अपन ने इससे लास्ट वाले वीडियो में क्या पढ़ लिया दोस्तों, जो ट्रांस और पार हिमालय वाला जो टॉपिक है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, तीनों ही सीरीज अपन ने कवर कर ली है। और अब अपन कवर करेंगे दोस्तों हिमालय, क्या कवर करेंगे, हिमालय जो सेकंड जो उसका क्लासिफिकेशन था पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको, हिमालय, ठीक है। अब अपन करते हैं दोस्तों इसको कवर। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों हिमालय की, तो जो हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है, ये सबसे नवीन मतलब सबसे यंग वलित पर्वत श्रृंखला है, जो सबसे लास्ट में बनी है। अगर मैं बात करूं जैसे अपनी अरावली की, अरावली सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला के अंडर आती है। तो लिखिए हिमालय हिमालय एक नवीन पर्वत श्रृंखला है। नवीन पर्वत श्रृंखला को अगर इंग्लिश में लिखूं तो क्या होगा, नवीन वलित, सॉरी है ना, नवीन वलित, तो इसको लिखेंगे अपन इंग्लिश में यंग फोल्ड माउंटेन, ओके, ठीक है। तो ये बात हुई। अगर मैं इसके निर्माण की बात करूं तो ये दोस्तों कौन से काल में इसका निर्माण हुआ, तो इसका निर्माण हुआ तृतीय काल में। तो लिखिए हिमालय का निर्माण तृतीय काल में हुआ है, तृतीय काल में हुआ है, ठीक है। और दोस्तों इससे पहले जो मैंने आपको जो कोबर का भूसन्नति सिद्धांत बताया था, जो कोबर ने जो सिद्धांत दिया था, फिलॉसफी प्रिंसिपल दिया था, उसके अंदर मैंने आपको चीज़ बताई थी, जो हिमालय है उसका उत्थान मतलब वो कैसे बढ़े, मतलब कैसे वो ऊपर की तरफ ऐसे बढ़ते गए, वो किसकी वजह से, तैथिस सागर के उत्थान से हुआ। ये मैंने आपको चीज़ बताई थी, वहाँ से जो तिब्बत के पठार से नदियाँ गिर रही थी तैथिस सागर के अंदर, और फिर यहाँ से जो जो गोंडवाना भूमि है वो बढ़ती गई आगे आई, और फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फोर्स लगा, संपीड़न बल लगा, जिसकी वजह से उसका उत्थान हो गया तैथिस सागर। तो लिखिए हिमालय तैथिस सागर के उत्थान से बना है, ठीक है। फिर मैं बात करूं और उसी तैथिस सागर वाली जगह में मैंने आपको बताया था यहां पे क्या हो रहा है, अवसाद का जमाव हो रहा है, और अवसाद के जमाव होने से क्या हो रहा है, कौन सी चट्टानों का निर्माण हो रहा है, अवसादी चट्टानों का। तो लिखिए हिमालय अवसादी चट्टानों से निर्मित है, ठीक है। और अगर मैं अवसादी चट्टानों को और भी क्या इसका नाम होता है, परतदार, क्योंकि परत दर परत बनती है, तो परतदार चट्टाने,
इनको परतदार चट्टाने भी कहा जाता है, ठीक है। और अब बात आती है हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, तो लिखिए हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, कोई डाउट नहीं, विश्व की सबसे ना, वर्ल्ड की। फिर लिखिए, और अगर मैं इसकी लंबाई में बात करूं तो ये विश्व में कौन से स्थान पे आता है, इसका नंबर तीसरे पे, तो लिखिए हिमालय विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, इसकी लंबाई वाइज। अब देखिए सबसे बात आती है कि इसकी सबसे पहले नंबर पे कौन सी पर्वत श्रृंखला आती है, तो अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू लेंथ, अकॉर्डिंग टू लेंथ या लंबाई, तो अगर पहले की मैं बात करूं, किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट नंबर पे किसका स्थान आता है, वो आता है दोस्तों एंडीज पर्वतमाला, लंबाई के मामले में पर्वतमाला। और एंडीज पर्वतमाला कहाँ पे है दोस्तों, दक्षिण अमेरिका में स्थित है एंडीज पर्वतमाला, ठीक है। और अगर मैं सेकंड नंबर पे बात करूं तो दोस्तों आती है रॉकी पर्वतमाला। तो रॉकी पर्वतमाला की अगर मैं बात करूं तो कहाँ आती है, उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। तो ये बात हुई अपनी फर्स्ट एंड सेकंड की। थर्ड नंबर पे अपना हिमालय, और हिमालय का स्थान कहाँ पे, एशिया में, तो भी लिखते हैं, आपने लिख लिया होगा आई होप, नहीं तो वीडियो को आप पॉज करके वो लिख सकते हो। थर्ड की मैं बात करूं तो थर्ड नंबर पे दोस्तों अपनी आती है हिमालय पर्वतमाला, इसका लोकेशन कहाँ है, एशिया। और एक और चौथे नंबर पे की भी लिख लीजिए ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, है ना, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और ये कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है। अब बात करते हैं, तो ये हुई अपनी दोस्तों चारों के चारों जो लंबाई के दृष्टिकोण से उसके अनुसार इनका स्थान आता है। अब अपन बात करते हैं दोस्तों हिमालय के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में। तो सबसे पहला क्या है, महान हिमालय या फिर इसको क्या बोलते हैं, वृहद हिमालय। और इसका एक दूसरा नाम और बताया था मैंने, क्या बताया था, हिमाद्री ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसकी औसत ऊंचाई की बात करूं, इसकी औसत ऊंचाई, इसकी औसत ऊंचाई है दोस्तों 6100 मीटर, ठीक है। और अगर इसकी चौड़ाई, जो इसकी चौड़ाई है कितनी दूरी में फैली हुई है, तो ये चौड़ाई है इसकी 25 से 35 किलोमीटर, ठीक है, 25 से 35 किलोमीटर। और अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूं, मैंने इसको आपको डायग्राम में बताया था कहां से कहां तक है दोस्तों, ये चालू होती है
जो मैंने आपको नंगा पर्वत बताया था, नंगा पर्वत कहां पे है, पीओके, पीओके से लेके नामचा बरवा, और नामचा बरवा कहां पे है, अरुणाचल प्रदेश तक कितनी लंबी है, 2400 किलोमीटर लंबी ये पर्वत श्रृंखला है, और कितनी चौड़ाई है इसकी, 25 से 30 किलोमीटर। ठीक है, इतनी बात हुई। अब देखिए, अगर मैं इस महान हिमालय को, महान हिमालय को पाकिस्तान में क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया था पाकिस्तान में बोलते हैं इसको सुलेमान, क्या बोलते हैं, सुलेमान, ठीक है, तथा और क्या नाम है इसका, कीर्थर, जबकि म्यांमार में इसको क्या बोलते हैं, अरकान योमा म्यांमार में क्या बोलते हैं इसको, अरकान योमा, ठीक है, क्या बोलते हैं, अरकान योमा पर्वत माला कहते हैं। ठीक है, इतनी बात हुई। ठीक, अब देखिए, इस पे ये जो हिमालय है, महान हिमालय पे, इस पे अनेकों ग्लेशियर, अनेकों हिमनद स्थित हैं। तो अभी अपन की कुछ कुछ की बात करेंगे, आप देखते जाइएगा। महान हिमालय पर अनेकों हिमनद है ना, हिमनद या ग्लेशियर स्थित हैं। ठीक, लिख लीजिए आप, फिर इसका डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, इसका मैं डायग्राम बनवा रहा हूं आपको। शुरू कहां से हो रही है दोस्तों, नंगा पर्वत, यह है अपना नंगा पर्वत, और खत्म कहां तक हो रही है, नामचा बरवा। ठीक है, अब देखिए कुछ ग्लेशियर्स की बात करते हैं अपन। एक ग्लेशियर अपना यहां है, यहां इस ग्लेशियर का नाम है यमुनोत्री, चलो पहले एक बार मैं बना लेता हूं, यमुनोत्री। एक यहां है, चलो साथ साथ ही करते हैं। ये जो ग्लेशियर है दोस्तों, इसका नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर, और इसका इससे नदी निकलती है यमुना। कौन सी नदी, यमुना, ठीक है। और ये जो ग्लेशियर है, ये क्या नाम है इसका, यमुनोत्री हिमनद, हिमनद मतलब ग्लेशियर। चलो पहले एक बार बना ही लेते हैं, फिर बार बार पेन चेंज करना पड़ रहा है। ठीक है, ये यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ के बाद मिलाम के बाद गोसाई धाम, और फिर ये इधर है अपना जेमू। ठीक है, अब ठीक है, नदियां देखते जाइए। ये नदी है अपनी भागीरथी, मंदाकिनी के बाद ये अपनी अलकनंदा, यह है काली नदी, यह है कोसी नदी, और यह है अपनी तिस्ता नदी।
तो इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, उसका नाम फिर आप बना लीजिएगा। ये यमुना, ये है भागीरथी नदी, भागीरथी, मंदा किनी, मंदाकिनी, फिर है अपनी अलकनंदा, काली नदी, कोसी नदी, और ये है तिस्ता नदी। ठीक है, ये हो गई नदियाँ। ठीक, अब इन ग्लेशियर का नाम लिख लीजिए। ये है अपना गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री हिमनद, केदारनाथ, केदारनाथ, बद्री, बद्रीनाथ, मिलाम, गोसाई धाम। ठीक है, गोसाई धाम कहाँ पे है दोस्तों? नेपाल में है गोसाई धाम। और ये है अपना जेमू, जेमू, और जेमू कहाँ है? सिक्किम में स्थित है। तो इसको आप बना लीजिए। ठीक है, यमुनोत्री से लेकर मिलाम तक की मैं बात करूं तो ये कहां पे स्थित है? उत्तराखंड में। ठीक है, तो देख सकते हो आप उत्तराखंड में कितने सारे ग्लेशियर हैं, बना लीजिए आप इसे। अब साथ याद करते जाइए, यमुनोत्री हिमनद, कौन सी गंगा, सॉरी कौन सी नदी? यमुना नदी। गंगोत्री से निकलती है भागीरथी, केदारनाथ से निकलती है मंदाकिनी, बद्रीनाथ से निकलती है अलकनंदा, मिलाम से निकलती है काली नदी, गोसाई धाम कहाँ पे है? नेपाल में, उससे निकलती है कोसी, जेमू सिक्किम में है, सिक्किम से निकलती है तिस्ता नदी। भारत में कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। नेपाल में एक है गोसाई धाम, फिर जेमू अपने अगेन भारत में, और ये कहाँ चालू होती है? नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा। ठीक, अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए, विश्व के सर्वोच्च शिखर, सर्वोच्च शिखर महान हिमालय पर स्थित है, आपको पता है महान हिमालय में स्थित है। ठीक है, अब बात करता हूं सबसे पहले नंबर का। सबसे पहले नंबर का दोस्तों क्या है? माउंट एव, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट विश्व का, विश्व का सबसे ऊंचा, ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। और अगर इसकी हाइट की बात करूं तो कितनी? 8,850 मीटर है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? भारत में नहीं है ये दोस्तों, नेपाल में है, नेपाल में, नेपाल में। और नेपाल में इसको क्या बोलते हैं? सागर माथा। तो सागर माथा किसे बोलते हैं? माउंट एवरेस्ट में। और कहाँ पे बोलते हैं? नेपाल में। ये भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन आता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। फिर मैं बात करूँ इसको तिब्बत में, तिब्बत में क्या बोलते हैं? तो अगर मैं बात करूँ तिब्बत की, तो तिब्बत में से बोलते हैं चोमा लुंगमा, चोमा लुंगमा, चोमा लुंगमा। ठीक है, और चोमा लुंगमा का अर्थ क्या होता है दोस्तों? ब्रह्मांड की देवी, ब्रह्मांड की
देवी, ठीक है। ये बात हो गई दोस्तों अपने माउंट एवरेस्ट की। सेकंड नंबर में, सेकंड नंबर की बात हो रही है किसके अंदर, इस महान हिमालय में, है ना। वैसे तो K2 है, मतलब अगर टोटल वैसे बात करें, लेकिन अपन बात कर रहे हैं किसकी, महान हिमालय में। तो सेकंड नंबर पे आती है कंचनजंगा, कंचनजंगा। और कंचनजंगा कहां पे स्थित है, सिक्किम में, मैंने आपको कल भी बताया था, ठीक है। तो लिखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, निर्विवाद, देखना ध्यान से लिखना इस पॉइंट को, समझना, निर्विवाद भारत की सबसे ऊंची चोटी। इसका मतलब समझ पाए दोस्तों आप, मतलब वह भारत की सबसे ऊंची चोटी जिसका भारत में कोई विवाद नहीं है। अगर मैं बात करूं जो अपने सेकंड नंबर पे अपन बोलते हैं भारत की सबसे ऊंची चोटी, किसे बोलते हैं, K2 को बोलते हैं, लेकिन K2 कहां पे लाई करती है, मतलब कहां पे स्थित है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, तो वहां पे भारत का और पाकिस्तान का विवाद है। तो अगर पूछा जाए निर्विवाद भारत की सबसे ऊंची चोटी है तो कौन सी है, कंचनजंगा। बात समझ में आई, ठीक है। आगे लिखिए, महान हिमालय की, महान हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। अगर इस महान हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो कौन सी है, कंचनजंगा, ठीक है। और अच्छा हाइट लिख देता हूं मैं इसकी, यह है 8,598 मीटर, ठीक। फिर है, अगर बात करूं विश्व की, वर्ल्ड की, तो सबसे थर्ड नंबर की है, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। तो ये बात हुई अपनी इससे कंचनजंगा की, ठीक है। आगे चलते हैं, अब लिख लीजिए फटाफट, पॉज भी करके बना सकते हो आप, ताकि अपन ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकें वीडियो के अंदर, ठीक है। मैं चलता हूँ आगे दोस्तों, आई होप वीडियो समझ में आ रहा होगा और सब कुछ अच्छा है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, ताकि इसकी रीच ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो सके और इसकी रीच भी बढ़े, ठीक। और बताइएगा भी कैसा लग रहा है आपको ये सब वीडियोस। अब बात करते हैं थर्ड नंबर की है दोस्तों, नंदा देवी मैंने वहाँ भी बताया था कौन सी जगह है, उत्तराखंड में, बहुत ही सुंदर जगह है नंदा देवी। और इसकी हाइट की मैं बात करूँ तो कितनी है, 7,817 मीटर, ठीक है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी, ठीक, भारत की निर्विवाद, अगेन वही कॉन्सेप्ट, निर्विवाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। फिर बात करूं यूनेस्को, एक पॉइंट है, यूनेस्को ने नंदा देवी को जैव संरक्षित क्षेत्र, मतलब बायोस्फीयर रिजर्व, जो यूनेस्को की जो बायोस्फीयर रिजर्व लिस्ट है उसमें इसको ऐड कर लिया था, कब कर लिया था, 1988 में। तो लिखिए जैव संरक्षित क्षेत्र मतलब बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया था 1988, ठीक है। तो ये बात हो गई दोस्तों किसकी, अपनी मध्य हिमालय की, ठीक है। अब आगे चलते हैं फटाफट अपन
सॉरी महान हिमालय की। अब अपन बात करते हैं अपना जो कि है मध्य और निम्न हिमालय, मध्य या एक नाम और है मध्य या निम्न हिमालय, इसको अपन और क्या नाम से जानते हैं, हिमाचल, मैंने आपको बताया था उस वाले मैप में पिछले वाले वीडियो में, ठीक है। आई होप आपको याद होगा, आपने देख लिया होगा। अब चलते हैं आगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं औसत ऊंचाई कितनी है दोस्तों इसकी, इसकी अगर औसत ऊंचाई की मैं बात करूं तो इसकी औसत ऊंचाई है दोस्तों 3,700 से 4,500 मीटर, ठीक है। फिर बात करते हैं निम्न हिमालय, निम्न हिमालय एक निरंतर पर्वत श्रृंखला नहीं है, समझ में आई, मतलब पर्वत श्रृंखला नहीं है, कहने का मतलब ये कंटिन्यूअस नहीं है जिस तरह से महान हिमालय थी, कहां से नंगा पर्वत से लेके नामचा पर्वत लगातार पर्वत श्रृंखला, निरंतर पर्वत श्रृंखला थी अपना महान हिमालय 2400 किलोमीटर तक फैली हुई थी, लेकिन ये बीच बीच में इसमें गैप आते हैं और ये निरंतर पर्वत श्रृंखला नहीं है, इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, अलग अलग जगहों में नामों से जाना जाता है। सबसे पहले की मैं बात करूं तो पीर पंजाल मैंने आपको बताया था कहां पे है, जम्मू एंड कश्मीर में। दूसरी इसका नाम धौलाधर, बताया था मैंने धौलाधर अपना फेमस है, धौलाधर है अपना हिमाचल प्रदेश में। तीसरी अपना नाग टिब्बा कहाँ पे है दोस्तों, उत्तराखंड में है। चौथे की मैं बात करूँ तो अपना है महाभारत कौन सी जगह में है, हिंदुस्तान में नहीं है, नेपाल में है, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, फिर अपन इसका डायग्राम बनाते हैं फटाफट से। ठीक, आगे चलते हैं, आप इसको पॉज करके भी बना सकते हो। अब देखिए ये है अपना महान हिमालय, ये है इधर अपना पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा और ये है अपना महाभारत। ये है पीर पंजाल जो कि कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में। ये है अपना धौलाधर कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। नाग टिब्बा कहाँ पे है, उत्तराखंड में। और ये है अपनी महाभारत जो कि कहाँ है, नेपाल में, ठीक है। अब देखिए ये हो गई अपनी सीरीज, ये है अपना दोस्तों महान हिमालय, ठीक है। अब देखिए इन यहां पे एक हिमालय, यहां पे एक श्रृंखला, इन जो दो पर्वत श्रृंखलाओं, जैसे मान लीजिए ये श्रृंखला है तो इसके बीच में ये जो निम्न भूमि क्षेत्र होता है यहां पे किस चीज का निर्माण होता है, एक घाटी का निर्माण होता है ना, समतल घाटी का। तो यहाँ पे कुछ घाटियों का निर्माण हुआ है, देखते जाइए, यहाँ पे घाटी का निर्माण हुआ, इस घाटी को बोलते हैं कश्मीर घाटी, ठीक है,
कश्मीर घाटी। फिर मैं बात करूँ यहाँ पे घाटी का निर्माण हुआ है, इसको बोला है कुल्लू घाटी। अगर आपने नाम सुना हो कुल्लू मनाली, तो कुल्लू घाटी कहाँ पे है? महान हिमालय और जो हिमाचल प्रदेश के बीच में जो घाटी है उसके बीच में। फिर यहाँ पे है फेमस घाटी मसूरी, मसूरी घाटी, ठीक है। और यहाँ पे एक घाटी का निर्माण हुआ है जिसका नाम है काठमांडू घाटी। ये जो कहाँ पे होगी? नेपाल में, सीधी सी बात है, काठमांडू घाटी, ठीक है। तो इस डायग्राम को फटाफट बना लीजिए, ठीक। अब लिखिए कश्मीर घाटी। आई होप दोस्तों आज सब कुछ समझ में आ रहा होगा, एक एक चीज में आपको एक्सप्लेन करता जा रहा हूं, ठीक है। कश्मीर घाटी में हिमानीकृत मतलब क्या है? जो बर्फ की वजह से मिट्टी वहां की कैसी होगी? चिकनी हो गई, हिमानीकृत हो गई, है ना। हिमानीकृत चिकनी मिट्टी को क्या बोलते हैं? करेवा। क्या बोलते हैं? करेवा, करेवा कहा जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले करेवा क्या है, तो करेवा क्या है? कश्मीर घाटी में हिमानीकृत चिकनी मिट्टी को क्या बोलते हैं? करेवा कहा जाता है। और यहाँ पे अगर आपको पता होगा दोस्तों अपना क्या होता है, ज़्यादा एकदम से मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा है, वो जो अपन वो मिला के रखते हैं ना उसमें सुगंध के लिए, एकदम से नाम भूल गया, भी याद आ जाएगा। हिमानीकृत क्या कहते हैं मिट्टी को? करेवा कहा जाता है। तो आगे फिर लिखिए करेवा मिट्टी किस काम के लिए? एकदम से केसर, हाँ याद आ गया मेरे को, केसर की खेती, ठीक है। मैं लिखते याद आ गया कि खेती के लिए उपयोगी होती है, ठीक है। तो समझ में आ गई। और अगर मैं दोस्तों बात करूं जो जम्मू कश्मीर में जो कश्मीर घाटी में जो केसर होता है उसकी एक किस्म बड़ी फेमस किस्म का है, एक है बहुत ही फेमस जाफरान केसर। केसर क्या नाम है? जाफरान केसर। और ये कहाँ पे होता है? कश्मीर में, ठीक है। बहुत ही महंगा भी मिलता है जाफरान केसर, ठीक है। अब लिखिए आगे मध्य हिमालय पर, सीधी सी बात है यहाँ पे क्या होंगे? सबसे ज़्यादा जो हिल स्टेशन होंगे वो कहाँ पे होंगे? इस मध्य हिमालय और इन घाटियों पे ही तो होंगे, कोई पहाड़ पे तो कोई हिल स्टेशन होगा नहीं कि भाई टॉप पे जाके हिल स्टेशन बनेगा। हिल स्टेशन कहाँ बनता है? घाटी में बनता है। सबसे ज़्यादा हिल स्टेशन मध्य हिमालय पर हैं, भारत के प्रसिद्ध। तो जब भी अगर आपको जीवन में मौका मिले तो जाइएगा जरूर। भारत के प्रसिद्ध हिल स्टेशन या फिर इनको एक नाम और बोलते हैं स्वास्थ्य वर्धक स्थल स्थित हैं। जैसे अगर मैं बात करूं अपने जम्मू एंड कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा है दोस्तों? श्रीनगर है, दूसरा है अपना पहलगांव। अगर मैं मेरी पर्सनली बात करूं तो मैं जम्मू कश्मीर में बचपन में 3 साल रहा हुआ हूं, यहाँ सब जगह घूमा हुआ हूँ, ठीक है। बहुत ही सुंदर जगह हैं पहलगांव, पटनी टॉप, ठीक है। ये बात हो गई अपनी जम्मू कश्मीर की। फिर मैं बात करूं दोस्तों हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में है शिमला, डलहौजी भी अच्छी जगह है, शिमला भी अच्छी है, डलहौजी अच्छी है लेकिन ज़्यादा, कुल्लू
मनाली, अभी आपको मैंने बताया था कुल्लू घाटी, कुल्लू मनाली, और फिर है कसौल। कसौल तो देखा हुआ होगा, चंडीगढ़ से आगे चलते ही कसौल की पहाड़ियाँ दिखती भी है। देखो तो जीवन में जितना मौका मिलता है ट्रैवल कर लेना चाहिए, क्योंकि जब अपन ट्रैवल करते हैं, अलग अलग जगह देखते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, अलग अलग कल्चर को देखने को मिलता है, तो एक संपूर्ण भारत एक अच्छे व्यक्तित्व, एक अच्छी पर्सनैलिटी की खोज होती है। एक अच्छा पर्सनैलिटी का आप इंसान बनते हो, क्योंकि आपने अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग लोगों से मिलते हो, अलग अलग चीज़ें देखी होती है। नैनी ताल उत्तराखंड, उत्तराखंड तो फेमस है ही अपना, नैनीताल, चक्राता, चक्राता, मसूरी, मसूरी काफ़ी फेमस है, लेंस डाउन, लेंस, लेंस डाउन और रानीखेत, और भी है, नैनीताल है, रानीखेत है, और ओली है, इस टाइप से है काफ़ी, रानीखेत। फिर मैं बात करूँ पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में भी तो कई कई जगह है, तो पश्चिम बंगाल में आपको पता ही है कौन सा है, दार्जिलिंग, दीदी, दार्जिलिंग भी काफ़ी अच्छी जगह है। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप फटाफट। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, आप वीडियो को पॉज करके भी देख लेना। अब लिखिए महान हिमालय तथा मध्य हिमालय के बीच, महान हिमालय तथा मध्य हिमालय के बीच समतल मैदानी घाटी को, अब सुनिएगा, जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं। क्या बोलते हैं? मर्ग, है ना। अगर आपका इसका एग्जांपल दूं तो वहां पे एक जगह है गुलमर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग। गुलमर्ग में मैं पर्सनली गया हूँ, अगर कभी आप अमरनाथ की आपने यात्रा करी हो तो गुलमर्ग वगैरह सब आते हैं, सोनमर्ग, है ना। तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, जम्मू कश्मीर में महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच जो समतल मैदानी भाग है उसको क्या, जम्मू कश्मीर में क्या बोलते हैं, मर्ग बोलते हैं। मर्ग तथा उत्तराखंड में उसको बोलते हैं बुग्याल। क्या बोलते हैं? बुग्याल, बुग्याल, ठीक है, बुग्याल कहते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज है, अगर जैसे इसका एग्जांपल दूं मर्ग में तो क्या है, अपनी एक जगह है सोनमर्ग, गुलमर्ग, इस तरीके से आप लिख लीजिए। तो दोस्तों ये अपना हो गया कंप्लीट मध्य हिमालय। अब छोटा सा पार्ट है शिवालिक, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर अपन आज के लिए इतना ही, फिर वीडियो को कंप्लीट करते हैं। तो लिखिए शिवालिक, शिवालिक, ठीक है। अब इसमें लिखिए यह पाकिस्तान के कौन सा पठार है, पोतवाड़ पठार, पोतवाड़ पठार से भारत में कोसी नदी, कोसी नदी तक निरंतर दिखाई देती है। ये दोस्तों निरंतर पर्वत श्रृंखला है, दिखाई देती है। कहाँ से चालू होती है? पाकिस्तान के पोतवाड़ से लेके जो अपनी भारत में कोसी नदी वहाँ तक निरंतर दिखाई देता है, ठीक है। और पहले तो ये निरंतर दिखा, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में ये छोटी छोटी दो पहाड़ियों
छोटी छोटी दो पहाड़ियों के रूप में दिखाई देता है, ठीक है, जिन्हें क्या बोलते हैं, इनका नाम है डाफला, डाफला, डाफला या मीरी, डाफला या मीरी, और एक है नाम अभोर, अभोर, अभोर तथा मिर्मी, अभोर तथा मिर्मी पहाड़ियां कहते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या है, पाकिस्तान के पोतवाड़ पठार से कोसी नदी तक निरंतर दिखाई देता है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में ये छोटी छोटी दो पहाड़ियों के रूप में दिखाई देता है, जिन्हें क्या कहते हैं, डाफला, मीरी, अभोर तथा मिर्मी पहाड़ियां, ठीक है, ये बात हुई। फिर लिखिए शिवालिक की अगर मैं औसत ऊंचाई की बात करूं तो कितनी है, 700 से 1500 मीटर है ना, ज्यादा ऊंची नहीं है। आपको ऐसे जैसे बात करूं अरावली में भी, जैसे हाईएस्ट आपको 1700 के लमसम हाईएस्ट गुरु शिखर मिल जाता है, ठीक है। अब बात करें फिर है मध्य हिमालय तथा शिवालिक, मध्य हिमालय तथा शिवालिक के बीच समतल मैदानी घाटी को दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक है दून, क्या है, दून तत, और एक है द्वार। दून से क्या हुआ, देहरादून, द्वार से क्या हुआ, हरिद्वार, ठीक है, समझ में आई मेरी बात। दून और एक है द्वार, दून एंड द्वार। तो दून में लिखिए जाम, जामू दून, जामू दून, पोटली दून, और एक नाम फेमस है ही, आप जानते ही हो, देहरा दून। जामदून और पोटली दून कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है, और इसकी बात करूँ तो उत्तराखंड में है, और अगर द्वार की बात करूँ तो लिख लीजिए हरिद्वार, ठीक है। तो ये हो गया अपना शिवालिक पहाड़ियाँ। तो दोस्तों ये हो गई अपनी शिवालिक पहाड़ियों तक अपन ने कंप्लीट कर लिया है। तो देख सकते हो आप मैंने कितनी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, तो आई होप आपको पसंद आ रहे होंगे और चीज़ें समझ में भी आ रही होगी, और दोस्तों सबको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और जितना ज़्यादा उसके शेयर कीजिए, जितना आप शेयर करोगे उतना ही आपको फ़ायदा है और उतनी ही रीच बढ़ेगी, और आई होप वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, और कोई भी डाउट होता है अगर अच्छे लगते हैं वीडियो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आर वीडियो।